अरे तू पहुंची क्यों नहीं टाइम पे यहाँ? अरे मैं क्या बताऊँ दादू, जब मैं घर गई ना तो दादी की तबीयत खराब थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी इनकी देखभाल कर लूंगी। जानकी आंटी भी नहीं थी घर पे, इसलिए मैं नहीं आ पाई। बट वो ये दोनों तो उदास लग रहे हैं, क्या बात हो गई? नहीं राखी मॉम, उदास नहीं, टेंशन में लग रहे हैं। ऐसे लगता है कुछ काम करने गए थे पर वो काम हुआ नहीं, क्या हुआ? सही कह रहे हैं आप लोग। जो करने गए थे ना वो हो नहीं पाया, इसलिए गुस्सा है, इसलिए नाराजगी कि क्यों नहीं हुआ। ऋषभ जी मैं समझी नहीं आप क्या बोल रहे। आप लोग तो जानते हैं ना जिस साथ करण भाई के साथ वो हादसा हुआ, वहाँ दो लोग और भी थे जिन्होंने ऋषभ भैया और प्रीता भाभी जैसे सेम कपड़े और मास्क भी पहने थे। और आप लोगों को पता उस मास्क के पीछे कौन था? शर्लिन की कजन नताशा, जो हमारे घर में रही है। और उसका साथ पता है कौन दे रहा था? उसका बॉयफ्रेंड रॉक्सी। नताशा? और जैसे ही हमें ये पता लगा ना, हम लोग शर्लिन के पास गए, शर्लिन ने हमारी हेल्प की, उनका एड्रेस दिया, हम लोग वहां पर भी पहुंचे लेकिन वो लोग वहां से भाग गए। पता क्या बोलते कि जैसे तुम्हारी दोस्त ने तुम्हारी हेल्प की ऐसे हमारे भी दोस्त हैं। शर्लिन तुम्हें मिली थी, वो कहां मिल गई तुम्हें? वो वहीं जॉल के बाहर, बेचारे की बहुत बुरी हालत है। वो इतनी नीड में थी कि मैंने उसको बोला कि मैंने कहा मैं तेरी हेल्प करूंगा, अब अगर प्रॉमिस किया तो हेल्प करूंगा, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे उसकी हेल्प का भी कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। कैसे होगा फायदा ऋषभ जी? वर्ल्ड की नंबर वन जासूस घर पे बैठी है, उसको लेके नहीं गए आप लोग? अरे अगर एडवेंचर करने जा ही रहे थे तो मुझे लेके चलते ना साथ में। अगर मुझे ले चलते ना तो काम ही हो जाता झट से। बेटा ये एडवेंचर थोड़ी था, तुझे मालूम है कितना इम्पोर्टेंट काम था, इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर वहां खुद गया था। नमस्ते, आइए सर, प्लीज टेक अ सीट। मॉम, दादी, सृष्टि, ये मिस्टर ओमकेश बत्रा हैं, डिटेक्टिव हैं, बहुत बहुत सीनियर डिटेक्टिव हैं, और अभी तक हमें इस केस के बारे में जहां तक भी पता चला है वो इन्हीं की बदौलत पता चला। मिस लूथरा, मैं आपको यहाँ ये बताने आया हूँ कि मेरे बंदे का मुझे अभी फोन आया था और उसने मुझे ये बताया कि नताशा और उसका बॉयफ्रेंड मनाली गए हैं। मनाली? मनाली जा रहे हैं मतलब? एक मिनट, करण और प्रीता भी तो हनीमून के लिए मनाली निकले हैं, वो भी आज। हेलो सर। हेलो मैम। हेलो। वाह, फूलों से स्वागत हो रहा है हमारा। थैंक यू। गुड इवनिंग मिस्टर एंड मिसेस लूथरा, वेलकम टू आर रिसोर्ट। आ प्लेजर। थैंक यू। प्लीज हैव। ओह थैंक यू, वन सेकेंड, जस्ट अ मिनट, आई विल गेट योर कीज। श्योर, थैंक यू। सुनो, इनके रूम की कीज दो, मिस्टर एंड मिसेस लूथरा, रूम नंबर 102। फाइनली हम पहुंच गए। तुम ना बच्चों की तरह एक्साइट हो जाती हो, एकदम काव्या की तरह। ऑब्वियसली क्योंकि काव्या मेरी बेटी है, लेकिन एक करेक्शन, काव्या मेरी तरह एक्साइटेड होती है, मैं काव्या की तरह नहीं, she has taken after me. But मुझे कहना पड़ेगा वो तुमसे ज़्यादा मैच्योर है। Sir, your room keys. Room keys? लेकिन हमारा तो कॉटेज है ना? I know ma'am, आपको कॉटेज चाहिए था, but I'm so sorry. फिलहाल अभी कोई कॉटेज अवेलेबल नहीं है, पर हाँ शाम तक आपको कॉटेज मिल जाएगा। Thank you. Welcome. Thank you. Excuse me. Okay sir. एक रूम चाहिए. सर आपकी बुकिंग है? नहीं, अर्जेंट विजिट पे आए हैं, एक रूम चाहिए, कोई भी चलेगा। ओके सर, मैं चेक करती हूँ। यस सर, एक रूम अवेलेबल है, 1101. तो आई विल हैंड ओवर द कीज। दीज आर द कीज। थैंक यू। Thank you. Yeah. हाँ, तो सिर्फ दो ही रूम्स अवेलेबल है ना? सर, मैंने इन दोनों कपल्स को कहीं देखा है। किसे देखा है? सर, इन दोनों कपल्स को। कहाँ देखा है? किसी क्राइम शो में, मैं वही एक शो देखती हूँ।
अधिकतर बिजी रहती हूँ तो ज्यादा शोज देख नहीं पाती, बस वही एक शो देखती हूँ। रात 12 बजे आता है, शायद उसी में देखा होगा। क्राइम शो?